ये सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। प्रभा की जनता के अलावा बेजुबान और पालतू जानवरों के लिए भी अपने प्रेम और समर्पण की भावना दिखाते हुए आखिर वाशी प्रभा क्रमांक 27 में NCP की पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ के अथक प्रयासों और संकल्पना से नवी मुंबई का पहला डॉग पार्क अब साकार हो चुका है। प्रभा के सर्वांगीण विकास के साथ एक से बढ़कर एक और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाने वाली दिव्या गायकवाड़ के प्रयासों से वीर सावरकर उद्यान में हकीकत रूप से खड़े हुए इस भव्य और आकर्षक डॉग पार्क का लोकार्पण NCP नेता और विधायक शशिकांत शिंदे के हाथों संपन्न हुआ, जहां उद्घाटन पश्चात दिव्या गायकवाड़ की संकल्पना से निर्मित इस बेहतरीन और नवी मुंबई के पहले डॉग पार्क का मुआयना कर शशिकांत शिंदे ने इसे अद्भुत और अकल्पनीय बताया, जहां उनके साथ मौजूद थे पूर्व नगर सेवक वैभव गायकवाड़ और तमाम पेट लवर्स। डॉग पार्क यह वही संकल्पना है जिसे शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण करने की साजिश कुछ व्यक्ति विशेषों की थी, मगर वह दिव्या गायकवाड़ ही थी जिन्होंने करदाताओं के पैसों की अहमियत को समझते हुए आखिर पाठ पुरावा के बाद करोड़ों के डॉग पार्क की संकल्पना को अपने प्रभाग में महज 26 लाख रुपयों की लागत से मैसर्स बल्लाड़ेश्वर कंस्ट्रक्शन के माध्यम से साकार किया। पर्यावरण और पेड़ों को बिना हानि पहुंचाए नवी मुंबई मनपा द्वारा इस डॉग पार्क का निर्माण किया गया है, जहां डॉग्स के मनोरंजन और खेलने के लिए डॉगी क्रॉल, बैलेंस बीम, हिल क्लाइंब, मिनी हिल क्लाइंब, डॉग वॉक रैंप, टीटर टॉटर और जंप हर्डल जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पहले ही दिन असंख्य डॉग लवर्स ने यहां आकर अपना जोरदार प्रतिसाद दिखाया। शशिकांत शिंदे ने दिव्या गायकवाड़ के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए उनके प्रयासों से निर्मित इस डॉग पार्क संकल्पना को लाजवाब करार दिया। नवी मुंबई मधला सागर विहार हा परिसर हा एक चांगला वस्तीचा भाग म्हणून ओळखला जातो। उच्चभ्रू असलेली वस्ती असेल किंवा त्याबरोबर राहणारी लोक जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून समुद्र किनारे असलेला हा सागर विहार हा नवी मुंबईत एक चांगल्या प्रकारचा वैभव आहे आणि या वैभवामध्ये भर टाकण्याचा प्रयत्न दिव्या गायकवाड असतील, त्यांचे गायकवाड साहेबांचे असतील, हे दोघंही नगरसेवक म्हणून काम करताना फार मनापासून आणि हृदयापासून काम करतात आणि ते काम करत असताना लोकांच्या अपेक्षा काय असतात, लोकांची पूर्तता काय करणं गरजेचं आहे याला ते मेरिट देतात आणि त्यांना कळून आलेलं आहे की लोक फार मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी लोक संध्याकाळी ह्या ठिकाणी आपल्या असलेल्या श्वानांना घेऊन या ठिकाणी फिरत असतात, हे करत असतात। त्यांच्या डोक्यामध्ये ही संकल्पना आली, मला वाटतं ही संकल्पना कोणाकडे येत नसते, परंतु त्यांनी तशा पद्धतीचा एक संकल्प केला। काही लोकांनी विरोध केला, परंतु पहिला मुंबईतला आणि नवी मुंबईचा सुद्धा मी म्हणतो हा डॉग पार्क मला वाटतं या ठिकाणी उभा करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि तो आज त्याचं उद्घाटन या ठिकाणी होत आहे, याचा मला मनस्वी आनंद आहे। आणि मी बघितलं की या परिसरातले अनेक लोक आपल्या असलेल्या
या डॉग पार्कमध्ये आपल्या श्वानाला घेऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि ते बघितल्यानंतर फक्त माणसांची काळजी नाही तर तिथे राहणाऱ्या प्राण्यांची काळजीसुद्धा करणाऱ्या नगरसेवक म्हणून त्यांची निश्चितपणाने त्याचं कौतुक करणं फार गरजेचं आहे आणि मला त्याचा अभिमान आहे. फार गाजावाजा न करता फार वेगळ्या प्रकारची प्रसिद्धी न करता आपण आपल्या कामाला महत्त्व दिलं पाहिजे. अशा प्रकारचं काम करणारे हे कुटुंब असल्यामुळे दोघांनी या असलेल्या प्रभागामध्ये चांगल्या प्रकारचं काम केलं आहे. मागे सुशोभीकरणाचा सुद्धा त्यांनी चांगल्या प्रकारचं गार्डन करण्याच्या बाबतीमधला सुद्धा सुरुवात केली. काही लोकांनी त्याला लगेच विरोध करायचा. प्रगतीला आणि विकासाला राजकारण असतो असं माझा मी विचारायचा आहे पण दुर्दैवाने तसं होत असतं. परंतु आज मी बघितलं, मला खात्री आहे की नवी मुंबईतलं आणि मुंबईतलं हे पहिलं डॉग पार्क होत आहे आणि त्याच्यामध्ये विशेषतः ट्रेनिंग पण दिली जाईल. कारण आता काय असतं, त्या श्वानाला कुत्र्याला ट्रेनिंग देणं फार महत्त्वाचं असतं आणि इथं तीसुद्धा सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे आणि त्यामुळे नवी मुंबईतले बहुतेक लोक चौकशी करतायत आता हे कधी चालू होतं आहे कधी चालू होतं आहे. महाप्रयत्नाने त्यांनी ते चालू केलेलं आहे, त्याचं आज उद्घाटन होत आहे. त्याबद्दल मनापासून इथल्या जनतेमध्ये आनंद आहे आणि हा मुकप्राणी जो असतो ह्या प्राण्यावरसुद्धा त्याच्याच पद्धतीचं प्रेम करण्याचा प्रयत्न करणं की तो माणूस तेवढा प्रामाणिक जसा राहतो तसं ते प्राणीसुद्धा राहत असतो आणि प्राणी मात्रावर प्रेम करणारा पहिले नगरसेवक मी या ठिकाणी बघितले त्याचा आनंद आहे. मी मनापासून त्यांच्या ह्या कार्याला शुभेच्छा देतो. वही पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड और पूर्व नगर सेवक वैभव गायकवाड ने डॉग पार्क की जरूरत पर जहां प्रकाश डाला वहीं इसके हकीकत रूप से साकार होने पर खुशी भी जताई. ये नवी मुंबई का पहला डॉग पार्क है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है. और मैं जब नगर सेविका 2015 में मिली तो लोगों को क्या चाहिए हमेशा मैंने वो करने की कोशिश की. और मुझे लगता है कि हमने सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए तो हमारे जो पेट्स हैं उनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है. और आज तो हर घर में पेट्स है और उनको भी उतनी ही हमने इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है. तो मेरे एरिया के लोगों की ये मांग थी क्योंकि एरिया में बहुत सारे लोगों के घर में पेट्स है तो उन्होंने सुझाव दिया था कि मैडम हमें ये डॉग पार्क चाहिए करके. और तब से मैं लगातार कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत फॉलोअप किया और बहुत कोशिश की. बहुत हर्डल्स बीच में आए, अभी उनके बारे में मुझे बोलना नहीं है क्योंकि आज खुशी का दिन है. हम आखिर संघर्ष करके, हमेशा संघर्ष मैंने किया है और कामयाबी तो मिली है. और आज आप देख रहे थे कि जो पेट लवर्स हैं वो कितने खुश थे क्योंकि काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये डॉग पार्क कब होगा. और मेरे टेन्योर में ये पास हुआ था लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी डिले हो गई और बहुत सारे उसमें ऑब्स्टेकल्स थे. आखिर आज ये दिन आया जब सारे पेट ओनर्स यहाँ पे आए पेट को लेके और आपने देखा है कि उनके ही चेहरे पर खुशी नहीं है तो जो पेट्स थे वो भी कितने एक्साइटेड थे. और उनको भी एक जगह चाहिए क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की भी गलती नहीं कि लोगों को भी चाहिए रहता है कि नहीं डॉग्स को एक अपनी जगह होनी चाहिए. तो ये ऐसी ओपन स्पेस है, आप देखते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. एक भी हमने एनवायर को कभी हार्म नहीं किया है, पेड़ नहीं निकाला है. और डॉग्स आके उनकी फिटनेस, उनकी एक्सरसाइज, एक ऑलमोस्ट 900 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है और ओपनली उनको एक स्पेस मिलेगी जहाँ पर वो आ सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज फिटनेस को लेकर खेल सकते, कूद सकते हैं. तो आज बहुत खुशी की खुशी का दिन है मेरे लिए. और इसका फ़ायदा सिर्फ हमारे एरिया में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है तो मुझे लगता है नवी मुंबई में सारे जितने पेट लवर्स हैं उनके पेट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं अपने पेट्स को लेके. एक पेट कॉर्नर भी बनाई हुई है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ लोगों को कि ये अपने पैसे हैं, आप टैक्स भरते हो उसे ये सब बनाया है तो अपने इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. और मोस्टली जो लोगों की कंप्लेंट्स होती है, आम लोगों की, जो ध्यान में लेना है कि नवी मुंबई हमारी एक बहुत क्लीन सिटी है, उसको अच्छे से रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है. तो हम जब पेट्स को लेके जाते हैं तो जब वो डॉग पू करता है तो हाइजीन के हिसाब से हमने उसको डिस्पोजल करके प्रॉपर जगह उसको डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारी नवी मुंबई को अच्छे से क्लीन रख सकते हैं, यही मैं कहना चाहती हूँ. बहुत आनंद हो रहा है कि दिव्या के ट्यूनियर में जैसे उसने बताया कि बहुत संघर्ष किया है ये डॉग पार्क के लिए और हमारे एरिया के जो लोग हैं उन्होंने कंटिन्यूसली जो सपोर्ट दिया जिसके कारण ये डॉग पार्क आज पॉसिबल हो पाया. शिंदे जी का भी बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी टाइम निकाल के आए. और कंसेप्ट सिर्फ यही था कि जैसे हम एक दूसरे से, इंसान इंसान से प्यार करता है, आज के दिन में हमको एनिमल के साथ आप देखोगे तो लोगों का ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ गया है.
तो उनका भी सोचने का एक तरीका होना चाहिए, इसीलिए यह डॉग पार्क बनाया गया है। फिजिकल फिटनेस हर एक डॉग की या डॉग की जो ट्रेनिंग्स है या जो पेट एनिमल से छोटे जो होते हैं ना पपी डॉग्स, उनको भी यहाँ पे ट्रेन किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ऐसे कंसेप्ट नई मुंबई में और मुंबई में कहीं पे भी नहीं है। हम आगे जाके इसको और अच्छा करेंगे कि जो यंग ब्रीड्स के डॉग है उनको ट्रेनिंग कैसा दे, ताकि फिर यहाँ पे और अगर कुछ कॉम्पिटिशन्स हो, ये सब हम लोग एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिलेगा। और ये पहला डॉग पार्क है जो NNC ने पब्लिक के लिए बनाया, तो मैं NNC का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत बांगर सर का, और आप सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने, मीडिया ने भी इसके लिए बहुत सपोर्ट किया। और ऐसा ही हम आगे करते रहेंगे। दिव्या ने जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और यही चाहता हूँ कि नई मुंबई के लोग यहाँ पे आए अपने पेट्स को लेके और वो एंजॉय करें। ब्यूरो रिपोर्ट, EW नेटवर्क।